इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। तफ्तान से चलता था और लाहौर तक 4.5 किलोमीटर, 4700 किलोमीटर जो इलाका जो था, 400 मील इलाका था, वो बगैर किसी गनमैन के आता था। रूस अमेरिका जब आया है 2001 में, फिर बदामनी शुरू हुई है और फिर तबाही बर्बादी शुरू हुई है और फिर यहां पर मसाइल पैदा हुए हैं, फिर 70,000 आदमी शहीद हुए। यानी आप मुझे यह समझ नहीं आती किस स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पर हम कहते हैं कि अमरीका जब जाएगा तो बदामनी पाकिस्तान में आएगी। पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि उस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, हम बैठ के यहां ठेकेदार बन रहे हैं। खान इमरान खान साहब भी कहते हैं वसी और बुनियाद हुकूमत कायम करो। इमरान खान साहब को कहे कोई कि तुम पीपल पार्टी के साथ या नून लीग के साथ बैठ के यहां वसी और बुनियाद हुकूमत कायम करो तो करेंगे, नहीं करेंगे उनके लिए हम पाकिस्तान बैठ के मामा बनता है किस खुशी में। दूसरी एक और बात बताऊं, 1989 में चला गया है रूस वहां से, उस 89 से लेके सितंबर 1994 तक पाकिस्तान ने मुदाखलत की, मुजद्दी को अमेरिका के कहने के ऊपर वहां पर बिठाया उनको, हिकमत यार उनकी लड़ाई शुरू हुई, इतनी शदीद लड़ाई थी। तो सितंबर 1994 से लेके 2001 तक ये जो 6-7 साल गुजरे हैं, 96 में काबुल पे तालिबान फतह किया है, अफगानिस्तान की गुज़श्ता 100 साल की तारीख में अगर कहीं अमन है तो 5 साल तालिबान का अमन है, सिवाय इसके कि शुमाली ताज का वो इलाका कि जहां फारफोर की उस इंडियन बेस के ऊपर ताजिकिस्तान में अहमद शाह मसूद को ले जाया गया, उसको पैसे दिए गए, उसको बंदूकें दी गई, उसको 10 हेलीकॉप्टर दिए गए, इंडियंस ने दिए, उसके साथ साथ अमेरिकन ने दिए और वो जाके वहां लड़ता रहा और वहां फोर्स। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि कब तक तालिबान वाहिद ताकत थी कि जिसने वहां अमन कायम किया है, 5 साल कायम किया है और इस तरह का अमन कायम किया है। और ये सब ये जो गवर्नमेंट के फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के जो बयानात आ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी का भी बयान आया है कि वहां पर अमेरिकन फोर्सेस के जाने के बाद खाना जंगी शुरू हो जाएगी, क्या ऐसा आपको होते हुए नजर नहीं आ रहा है? मैं आपको बताऊं, आज से 3 महीने पहले अमेरिकन इंडियंस इनने मिलकर बकायदा सोचा कि फारफोर का जो ताजिकिस्तान का बेस है वहां से हम उस पक्ष को ताज को करे कहेंगे। अब्दुल्ला वहां पहुंचा, अहमद शाह मसूद का बेटा वहां पहुंचा, उस्ताद अता वहां पहुंचा। तालिबान ने पहला काम जो किया आज से 1.5 महीने पहले तक, उन्होंने पूरी ताजिकिस्तान की सरहद जो है अपने कंट्रोल में ले ली, चीखे मारते हुए पाकिस्तान के पास आए, हमें दो बस अड्डे, हम यहां पर इसे करेंगे। क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अब्दुल्ला भाग के वहां पहुंचा हुआ है। अच्छा, उसका अशरफ खानी अमेरिका पहुंचा हुआ है। 21 जून को अमेरिकन कांग्रेस में यह करारदाद पेश होती है और ब्लिंकन को बुलाया जाता है कि 20,000 वो लोग जो मुतरजम थे, जो अमरीकियों के साथ थे, उन्होंने हमें अब इमिग्रेशन की दरखास्तें दी हैं, अल्लाह के लिए निकालो इन शकील अफरीदियों को, ये तो मारे जाएंगे वहां पर। आपको लगता है कि अफगान गवर्नमेंट और तालिबान आपस में मिलकर इकट्ठे फॉर द बेटरमेंट ऑफ अफगानिस्तान इस पर एक इकट्ठे होकर चल सकेंगे? मसला अफगानिस्तान का एक निज़ाम हुकूमत पर मुत्तफिक होना ना है। तालिबान ने बजोरे बाजू अगर अफगानिस्तान पर कब्जा कर भी लिया, पहले भी किया, उन्होंने 5 साल हुकूमत रखी, तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो नहीं होगी जो आप बंदूक के जोर पे बनाएंगे। ना तालिबान किसी इलेक्ट्रल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, ना वो किसी निज़ाम हुकूमत पर मुत्तफिक होना चाहते हैं। अब आप ये कहें कि मैं सारे स्टेक होल्डर्स को निकाल दूंगा बजोरे बंदूक और अपने बंदूक की ताकत से सबको निकाल दूंगा और अपनी बंदूक की ताकत से अपना निजामे हुकूमत कायम करूंगा और वही सबको मानना होगा, तो फिर दुनिया उसको नहीं मानती है, फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर कहीं आपका सफीर नहीं होता। तो दुनिया फिर क्या करेगी अगर मानती है? देखिए ना, बात यह है कि तालिबान ने अगर, और यह सब कह रहे हैं कि 88% इलाके पर कब्जा कर लिया है, तो अभी तक किसी सूबे का दारुल हुकूमत तो उन्होंने कब्जा नहीं किया। अभी काबुल पे उन्होंने कब्जा नहीं किया, चंद जिले ही हेडक्वार्टरों पे कब्जा किया है, 7 शहरों का मुहासरा जरूर उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी अपने पांव रोके हुए हैं इस वक्त, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चल के करना क्या है। क्यों इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने उन्हें काबुल में दाखिल होने से रोका है, समझाया है कि भाई अभी फॉल ऑफ काबुल नहीं होना चाहिए,
क्योंकि जब तक किसी निजामे हुकूमत पर मुत्तफिक नहीं होंगे, मुजद्दती और हिकमत यार में क्या लड़ाई थी, क्योंकि किसी निजामे हुकूमत तो यानी कि तालिबान को हम चला रहे हैं, कैसे इक्तदार में आएंगे? बंदूक की ताकत में इक्तदार में आएंगे तो वो दुनिया नहीं मानेगी। आपको इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, आप अमेरिका के कराए हुए इलेक्शनों को फ्रॉड कहते हैं, आप खुद किसी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते, खुद कोई निजामे हुकूमत आप पेश नहीं करना चाहते कि हमारे यहां जो निजामे हुकूमत होगा वो ऐसा होगा, दुनिया को उससे बात नहीं करना चाहते। तो बंदूक पर बनाई हुई हुकूमत को जब आप कहेंगे कि वो सब मान लें तो उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, ये पहले भी देखी है और आइंदा भी देखेंगे। पहले तो तीन मुल्कों ने मान ली थी उनकी हुकूमत, मुझे डाउट है कि इस बार वो तीन मुल्कों ने भी उनकी हुकूमत नहीं माननी जिन्होंने 94 से 96 तक मान ली हुई थी। वो तीन मुल्क भी आज इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी हुकूमत। तो तालिबान को हम चला रहे हैं, तालिबान को आपने कहा ना इमरान खान साहब ने रोका हुआ है, अब उनके बयान से तो यही लग रहा है ना कि हम चला रहे हैं, और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए उनको। अगर देखें मेरी बात सुने, आपको ऐसे उनके बयान इंटरनेशनल मीडिया में और अफगानियों ने कैसे उनको सोशल मीडिया पे चलाया है कि इसका मतलब है कि आपके हाथ में रिमोट है, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये तो एक इल्जाम है ना बहुत बड़ा, मतलब तालिबान का हमारे से क्या ताल्लुक, क्या लेना देना। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने हमने उन्हें काबुल पर हमला करने से रोका हुआ है। अच्छा, अब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ही इज कॉलिंग द शॉट्स, रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। और तालिबान को भी अपने अशरफ, अगर तालिबान भारत से तो कतर में बैठ के मुजाकरात कर रहे हैं, हम आज तालिबान की इतनी वकालत कर रहे हैं, हम आज तालिबान की इतनी वकालत कर रहे हैं, कोई मुजाकरात नहीं, कोई मुजाकरात, कतर ने तस्दीक किया भारत से, कतर ने तस्दीक किया मुजाकरात की मुलाकात, कतर ने मुलाकात कभी ना मुजाकर, मेरे पास समीर अमजाद का स्टेटमेंट है हमारे और, पास और कतर की तस्दीक भी आई है कि हाँ हुई है। कतर ने कोई तस्दीक नहीं, कतर ने कहा उसने ट्राई किया है, कोशिश की है। मेरी बात सुने जो ताकत 48 मुल्कों को और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दे के बैठी हो, ये तारीख का बहुत बड़ा वाक्य है, उसको परवाह है तो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, उसको अपने कितना निकले उसको अपने शहरियों की परवाह है, उसको अपने शहरियों की परवाह है, अपने हम बतनों की परवाह है, बिल्कुल परवाह है कि वो शहरी और हम बतन कुत्ते हैं, कि वो शहरी और हम बतन के लिए कुत्ते हैं, उनके सारे शहरी उनके साथ हैं, उनके सारे शहरी उनके साथ हैं, इलेक्शन करा ले, वोट की ताकत से आ ले, किसने कहा होगा वोट की ताकत से आने को रोकने के लिए? आप वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से जलील होकर निकले हैं वहां से, आप वो लोग पाकिस्तान पहले भी बेवजह खून दिया है अफगानिस्तान के लिए, आज भी हमारा बेवजह खून अफगानिस्तान के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देख लिया पाकिस्तान का माइंडसेट, पाकिस्तान के लोग तालिबान के डाईहार्ड सपोर्टर हैं, उरिया जैसे लोगों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी तालिबान के सपोर्ट में देख रहे हैं आप किस तरीके के बयान देता है। तो दोस्तों पाकिस्तान जो तालिबान को लेकर इतना खुश हो रहा है, इस तरीके के लॉजिक देता है कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया, नेटो को हरा दिया, ये वो फलाना ठिकाना, ये लोग इनडायरेक्टली ये सोचते हैं कि तालिबान कश्मीर को आज़ाद कराएगा, इस तरीके के इनके पास लॉजिक है। तो दोस्तों आपको भी पता है कि अफगानिस्तान की मैं हिस्ट्री की बात करूं तो अफगानिस्तान डेफिनेटली वहां के जो लोग हैं वो बेचारे तड़फ रहे हैं, आपको भी पता है कि वहां पे सदियों से वहां के लोगों ने लूट मार की, और लूट मार का पैसा क्या कैसा कितने दिन काम करेगा आपको भी पता है कैसा रहता है। तो लूट मार के पैसे से ये देश के लोग चलते आए हैं, मतलब यहाँ पे जो पावरफुल तबका था, जैसे आपने देखा कि रिसेंटली अगर आप पास की हिस्ट्री देख लें 200-300 साल पुरानी, तो आपको भी पता है अहमद शाह अब्दाली और बहुत सारे ऐसे अफगानी जो आते ही रहे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, हमला करते ही रहे हैं और यहाँ से लूटमार करके जाते ही रहे हैं। तो अब जो पहले वो लूटमार करते थे उनका बेसिकली सॉफ्ट टारगेट रहता था मुल्तान, लाहौर, पंजाब के इलाके जो आजकल पाकिस्तान में है, इन्हीं इलाकों में उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट मार की है। फिर उससे आगे बढ़ते थे तो दिल्ली तक पहुंचते थे, आपको भी पता है अहमद साहब दाली तो मथुरा तक में तोड़फोड़ करके गया था, और मतलब इनका काम ही था लूट मार करना। तो इनके ही वंशज आजकल तालिबान, और इन्हीं के होंगे औलादें, और क्या, वहीं के लोग हैं।
तो तालिबान के नाम से जाने जाते हैं, इनको लेकर पाकिस्तान इतना खुश हो रहा है। आपको भी पता है तालिबान कोई वोटिंग राइट्स पे तो विश्वास करता नहीं है, तो आने दो तालिबान को, इन्हीं को सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यही लोग झेलेंगे। वहाँ पर ऐसी कोई बहुत सिक्योर बॉर्डर है नहीं, आएगा मज़ा, देखते हैं क्या होता है। ये लोग जो सोच रहे हैं कि तालिबान ये और वो, तो इनको ही मज़ा आने वाला है कि तालिबान ने सदियों से किया क्या है। मैं भी चाहता हूं कि बहुत जल्द अमेरिका यहां से निकले, तालिबान को फ्रीली हुकूमत मिले, फिर देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्या रिश्ते होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है ख़त्म। ओरिया जैसे जिहादी जो डाई हार्ट सपोर्टर हैं तालिबान के, इनसे आप कोई उम्मीद ना रखें। और जो मतलब ये लोग हैं पाकिस्तान में, इसी तरीके के लोगों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। जैद हामिद जो अपने आप को अरब डिक्लेयर कर चुका है, उसको अरब वालों ने ही जूते मारे थे, आपको भी पता है। तो दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और बताइए कि हम अपने वीडियोज़ में क्या सुधार करें जिससे आपको और मज़ा आए।